नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। बालाघाट न्यूज़ की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की। प्रदेश सहित जिले भर में इस समय कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर यानी कि घातक साबित होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से मामलों में लगातार वृद्धि देखने मिल रही है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण का यह दायरा 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट में आगे बढ़ सकता है, जिससे लोगों के सामने और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से कड़ाई नहीं बरती जा रही है। फिर से लॉकडाउन की चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है, केवल बालाघाट शहर में ही रात्रि 9 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जिले में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन एक बार फिर कड़े और सख्त नियम लागू कर सकता है लोगों की आवाजाही को लेकर। फिलहाल हम मौजूद है बालाघाट जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम जरेरा में। यह गांव पिछले 4 दिनों से सुर्खियों में है। कल यहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसमें 36 लोगों के टेस्ट में 4 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सूचना यह भी है कि 2 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन इस गांव में आने के बाद हमें पता चला कि लोग दहशत में हैं और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की यहां पर दिन भर के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को निर्देशित कर उन्हें घर में ही रहने के लिए आग्रह किया गया है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ हालात है इस गांव के और क्या कहते हैं इस गांव के लोग। क्या नाम आपका? रूप सिंह पंद्रे। रूप सिंह जी, ये बताएंगे क्या कुछ आप लोगों को निर्देश मिले हैं, क्या कुछ कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? स्वास्थ्य विभाग से कल ये कहा गया है कि मास्क लगाए, दूरी बनाए और थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करें जी। और उसमें क्या है कि अभी तो कोई वैसे बाहर नहीं घूम रहे हैं, पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। कितने लोगों की रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई है जानकारी? इसमें जानकारी के हिसाब से तो 4 ही लोगों की आई है अभी, बाकी लोग क्या है भर्ती हैं बोलते हैं। अच्छा, तो सर्दी खांसी वाले लोग बहुत हैं यहाँ पर? अब सर्दी खांसी वाले लोग तो हैं कहते हैं, लेकिन अभी कल जो बुनियादी हुई तो लेकिन उतने लोग खास लोग वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे स्वास्थ्य विभाग। यह तस्वीर ग्राम जरेरा की है, जहां कल तक लोग सामान्य जीवन बिता रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां के ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग घरों से बाहर भी निकलने से बच रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में कैद है और वे काम धंधे में भी नहीं जा रहे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों में ताला जड़ दिया है। लोग गेट के भीतर से ही बाहर झांकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने की उनकी हिम्मत नहीं है। कुछ इसी तरह से गांव में कोरोना का डर लोगों में फिर से दिखाई दे रहा है। दरअसल हुआ यह है कि जरेरा में बीते 4 दिनों के भीतर आधे से अधिक आबादी में सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण मिले, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य अमले ने मंगलवार को यहां स्वास्थ्य केंद्र में 36 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए। इस टेस्ट में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से ही गांव में लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी जरूरी कार्य या फिर खेती से जुड़ा कोई काम हो तो, अन्यथा ज़्यादातर लोग घरों के बाहर ही नहीं निकल रहे। जो लोग बाहर आते हैं वे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन भी कर रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? शेख मजर। क्या स्थिति गाँव की आज? गांव की ये स्थिति है, कल हमने जब यानी गांव में जब रिपोर्ट आई 4 लोग की पॉजिटिव, उसके बाद से ही गांव में यानी सब लोग कोरोना के वजह से अंदर घर के अंदर ही रह रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है और गांव में दुकानें भी सब दुकानदारों ने बंद कर रखी है। अच्छा, सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं? जी, सभी प्रकार की दुकानें यहाँ गाँव में बंद है।
अच्छा, और कुछ कुछ कहा गया है आप लोगों को किस तरह से पालन करना है, क्या करना है कुछ? जी, मुनादी करवाए थे कल गांव में। मुनादी हुई है कि कोई एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे के पास ना बैठे, मास्क लगाए गांव में, ये बोला गया। अच्छा, और भी यहां पे ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं आप? जी, होंगे, क्योंकि अभी तो केवल 36 लोगों को टेस्ट कराया है, तो क्या लगता है आपको और भी टेस्ट होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नाम? अभिलाष यादव। ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले आपके गांव में 4 लोग, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम अभी तो डर के सहमत में हैं, क्योंकि 4 लोग बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है और ज़्यादा टेस्ट होगा तो इससे अधिक निकल सकते हैं। गाँव में कोई बड़े आयोजन वगैरह किए कराए जा रहे हैं क्या आपके? अभी तो नहीं कराए जा रहे हैं। बाहर से लोग आए हैं गाँव में? नहीं, बाहर से नहीं आए अभी। अच्छा, ऐसा जानकारी मिल रही कि यहाँ पे कोई भागवत कथा का आयोजन था जिसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे? वो 15-20 दिन पहले हो चुका है। अच्छा, कितने लोग शामिल हुए थे जिसमें? उसमें से कम से कम 150-200। तो वहाँ पालन नहीं हो रहा था क्या? पालन था ना वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ जो गए थे उन लोगों का भी टेस्ट हुआ है? हाँ, उनमें से हुआ है, तो जिसमें से 2 लोग थे वहाँ पॉजिटिव। अच्छा, 2 लोग उनमें भी पॉजिटिव पाए गए थे। जलेरा में जब से कोरोना मरीज पाए गए उन्हें स्वास्थ्य अमले ने क्वारंटाइन करा दिया है, साथ ही दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आने की समझाइश दी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रिपोर्ट को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में स्वयं गांव के ही लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका यह भी मानना है कि जिस तरह से गाँव में आधे से अधिक लोग बीमार है उसके अनुसार जाँच नहीं हो रही है। कुछ लोगों की जांच से कोरोना की स्थिति का वास्तविक आकलन नहीं हो सकता है, इसलिए शासन प्रशासन को यहां पे पूर्ण रूप से लोगों की जांच करनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र हनोत है। हेलो जी, बताएंगे क्या स्थिति है आज गांव में? भैया, यहाँ की जो स्थिति है, लगभग सब गांव के जो मरीज भी है अपने अपने घरों के, ये सब बातों को दबाते हैं और इस चीज़ों को दबा के नहीं रखना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए। और लगभग वास्तविक में यहाँ जो वायरल फीवर के हिसाब से जो बता रहे हैं, वो ये वायरल फीवर नहीं है, ये अंदर अंदर मेरे को भी जानकारी लग रही है कि यहाँ पर है। अच्छा, कोरोना वाला शिकायत है पर कोई ओपन बिल्कुल नहीं करते। इस गांव में अभी कितने लोगों के बीच में वायरल के सिम्टम्स दिख रहे हैं? यहाँ लगभग इस गांव में टोटल गांव में 50% वायरल वाले, मैं खुद वायरल वाला हूँ। अच्छा, 15 दिन से। तो कल जो टेस्ट हुआ 36 लोगों का, आपने टेस्ट कराया? हाँ जी, मैं कराया। क्या बताया आपको? मेरे को तो निगेटिव बताया। निगेटिव बताया, तो आपको क्या लगता है, आप क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन सभी का टेस्ट? शासन से तो यह है, सभी का टेस्ट हो रहा है और शासन से यही है कि कम यहाँ बिल्कुल सुविधा अच्छी होना चाहिए और यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। क्या असुविधा आपको महसूस हो रही? सुविधा ये है कि जो जिला चिकित्सालय से है जी, इन्हीं से क्या है, ये अगर हम लोग दबा के नहीं रखते अपने गाँव में तो क्या है, डॉक्टरों की व्यवस्था हो, कुछ हो या शिविर लगे, ये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। शिविर नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अच्छे से नहीं। तो आप क्या मांग करेंगे बालाघाट? मैं यही बालाघाट में मांग करूंगा कि बिल्कुल यहाँ हमेशा इस गांव की पोजीशन को देखते हुए दो डॉक्टर जो भी है, जैसी व्यवस्था बने ये बना के रखना चाहिए। और बहुत परेशान है यहाँ के जो डॉक्टर है, वो भी बेचारे बाहर चले गए। अच्छा, क्योंकि यही मरीजों को देखे, वो खुद ही परेशान है, कोई गोंदिया चले गए, कोई कहीं चले गए, यहाँ बिल्कुल इतनी परेशानी है कि अब मरीज अगर कोई वायरल वाला भी जा रहा है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं डॉक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कराए जाने की मांग यहां के ग्रामीणों ने की है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन आखिरकार जो ग्रामीण जनों की मांग है इस पर कितना कुछ अमल कर पाता है। फिलहाल लोग ग्राम जरेरा में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का बढ़ता संक्रमण उन्हें भयभीत करने पर, विचलित करने पर मजबूर कर रहा है।